मैं स्वागत है। जानिए, आज ये इंडक्शन आया हुआ है मेरे पास। ये फ्लिपकार्ट कंपनी का इंडक्शन है और इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें आपका प्रॉब्लम है कि ये आपका कैपेसिटर हो गया, और इसमें प्रॉब्लम को हम चलिए पता करके आपको बता देते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसी तरह का वीडियो लाते रहता हूँ ताकि आपको भी कुछ जानकारी और नॉलेज होनी चाहिए। एलिकिट को आप दो पेच होता है, इसको खोल कर आप निकाल लीजिए, और निकालने के बाद इसको पहले खोलिए। इसको खोलते हैं, इसको देखते हैं। देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, पावर सप्लाई का लगता प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। हाँ, देखिए दोस्तों, ये सर्किट में आपका, मैंने तो इसमें पहली बात की, इसमें आपका पहला चीज़ है कि इसमें पावर सप्लाई का जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका जल गया है। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि एक बार इसको चेक किया था, इसका IGBT वगैरह सब सही है। सिर्फ इसका पावर सप्लाई का फ्यूज या हाई वोल्टेज या कम के कारण होता है। देखिए, आप मीटर को ले लीजिएगा, इसको कंटिन्यूटी में इसको सेट कर लीजिएगा, और ये दो मीटर है जो कि दोनों तरफ माइनस और प्लस तरफ इसको सटाना है। देखिए, इस टाइप से सटा लीजिएगा। देखिए, अगर इसमें, अगर सटाने के बाद अगर मल्टीमीटर में कुछ आवाज़ आता है तो समझिए कि आपका रेजिस्टेंस सही है। अगर आवाज़ नहीं करता है तो समझिए कि ख़राब है। और ये देखिए, मेन जो फ्यूज़ हो जाता है वो भी आपका ठीक ही है, और IGBT भी चेक कर लिया हूँ, ये भी बढ़िया है। क्योंकि अगर चेक करके एक एक प्रोसेस बताता तो वीडियो लंबा हो जाता, इसीलिए मैं वीडियो को बता देता हूँ ताकि आप खुद भी कर सकते हैं कंटिन्यूटी में लगा कर। ये देखिए, इसका पावर सप्लाई का फ्यूज उड़ चुका है, या देखिए फटा हुआ लग रहा है। देखिए, बस इसको आप बाहर निकाल कर मीटर में एक बार चेक कर लीजिएगा, और मीटर में चेक करने के बाद इसको आराम से बाहर निकाल लीजिए। ये फ्यूज़ का कीमत है मार्केट में मात्र आपका 2 से 3 रुपये में आपको फ्यूज ये मिल जाएगा। रेजिस्टेंस होता है फ्यूज, नहीं रेजिस्टेंस। लगाइए दोस्तों, और आपका इंडक्शन चालू हो जाएगा। चैनल अच्छे लगे दोस्तों, सब्सक्राइब करें दोस्तों।